मैं क्या बोल रहा हूं, तुझ भी करो ना लाइफ में, ऐसा करो कि तुम जैसा कोई ना हो। भैया पहली बार चाय का ठेला जब 2 साल का खत्म किया ना, तो मैंने कहा आप थोड़ा अपग्रेड होते कैफे ले लेते हैं। तो जहां मेरा चाय का ठेला था कुणाल भाई जय भाई, उसी के पीछे एक दुकान ले ली मैंने। और वो दुकान बड़ी बड़ा सा गंदा सा वो था, क्या बोलते हैं अपने शोरूम, वो बहुत पुराना शोरूम था। वहां पे दुकानें बिल्कुल रद्दी के भाव में किराए पे मिल रही थी। तो जो दुकान की वैल्यू मैंने 25-30 हज़ार कर दी, वो मेरे को 8 हज़ार रुपये महीने में मिल रही थी। उस टाइम मेरी औकात नहीं थी उस किराए को भरने की। वो क्या हुआ, एक बंदा आया, मेरी जो शटर थी ना मेरी दुकान की वो बिल्कुल कड़क सी चल रही थी, जो ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। एक बंदा आया सा ऑयल वॉयल लेके पैशन प्लस गाड़ी पे, वो मेरे पास आया, मैं दुकान खोल रहा हूँ, बोले भैया देखना हो मैं शटर को ढीला कर देता हूँ। उसने ऐसा किया, शटर नहीं खुल रही है, ठीक है, फिर उसने ग्रीस लगा दिया, ऑयल लगा दिया, ठोका इधर 4 हथौड़ी मारी। अब देखो भैया एक हाथ से नीचे जा रही है शटर, जो मेरी दुकान की शटर नहीं खुल रही थी, शटर ऐसे शटर वैसे। अब बोले भैया एक उंगली से इसको ऊपर ले जाऊंगा, एक उंगली से मैं इसको नीचे लाऊंगा। फिर ग्रीस लगाया, इधर ऑयल लगाया। अब बोले भैया चीटी उंगली से मैं इस शटर को ऊपर ले जाऊंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, ठीक है। उसने मेरे से 300 रुपए लिए। अब उसने मेरे को क्या बोला, मैं दिन भर में 25 से 30 शटरें सुधारता हूं, 30 × 25 कितना हो गया, 7,500 रुपए रोज, महीने का कितना हो गया, 2.25 लाख रुपए। आप में से कोई करेगा ये काम? हमको तो वो बीपीओ में जॉब करनी है ना, केपीओ में कॉलिंग करनी है ना, एसी में बैठना है, 2.25 लाख रुपए। भैया आप उम्मीद एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है क्या? चाय का ठेला चलाना, आपके चाय के ठेले वाले, मोमोज वाले, पोहे जलेबी वाले, बुरा मत मानना, पर हो सकता है हमारे माँ बाप से ज्यादा कमा रहे होंगे वो। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि हिंदुस्तान में इतना गंदा जहर फैलाया गया है काम को लेके। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। तो पॉइंट हियर इज कि हमें हिंदुस्तानी लोगों को एक नया जीव और क्या बोले एक बीज डालना पड़ेगा कर्म का, जो कृष्ण कह के गए हैं कि कोई भी काम, काम छोटा नहीं होता है, काम काम होता है। तो मैं आपको फिर से मैं क्या बताना चाहता हूं कि वो जो शटर वाला कॉन्सेप्ट में क्या चाहता हूं, आप अपने आसपास में जो चीज आपको दिख रही है ना, वहां हर चीज में से धंधा निकल सकता है। बस ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स पड़े हैं जिनका शायद मुंह पे फेस वॉश वो नहीं लगाते गार्नियर का, और उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आप लोगों को अगर समझ आ रही है, देखो एक मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूं, व्हेन यू नो यू डोंट नो यू हैव बेटर चांसेस ऑफ लर्निंग। सो मुझे पता था कि मैं फेसबुक नहीं बना सकता, मुझे पता था मैं एप्लीकेशंस नहीं बना सकता, मुझे पता था कि मैं कोई वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकता। अपने को आती है चाय बनाते, बना दी। आपको भी तो कुछ आता होगा ना। हर किसी का एक सुपर पावर होता है, जैसे कुणाल भाई का सुपर पावर है पॉलिटिशियंस को कनेक्ट करना, पॉलिटिक्स की बातें करना, समाज की बातें करना, समाज सेवा की बात करना। तो वो बंदा उस लीड में बाप बन रहा है। मैं चाय में बाप बन रहा हूं, तुम हेयर सलून में बाप बनो, तुम चड्डी बनाओ यार, जॉकी के कोई बाप निकालो, क्या करो तुम बनियान बनाओ। आई एम टेलिंग यू ट्राई टू गिव योर सेल्फ अ टाइम ऑफ 7 or 10 days, ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ। अभी चारधाम यात्रा पे मैं गया था, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, अकेला मैं अपने आप से मिलने गया था। तो पॉइंट हियर इज, हम लोग ऐसे एक सुपर पावर के चक्कर में इतने साल बिता देते हैं कि कोई ऐसी जादू की छड़ी आएगी कि हमारा जीवन पलट जाएगी, और ये कभी नहीं होगा। आप 2 साल अगर इस चीज में वेस्ट कर रहे हो कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो अगर आपने चाय भी पकड़ ली ना और 2 साल करते रहे ना, तो 2 साल बाद आपकी किस्मत का ताला जरूर खुल जाएगा, पर खुलेगा कब, जब पकड़ोगे और करोगे उसके बाद। ये कहानी। आप लोगों की वजह से मैं यहां हूं।